राजभर का अपना नहीं है ठिकाना, लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, समाजवादी पार्टी में राजभर अजीत पवार तलाश रहे थे। तभी अखिलेश ने राजभर को उनके आका का एड्रेस बता दिया। चाचा शिवपाल के जवाब ने तो राजभर का मुंह ही लटका दिया। महाराष्ट्र में बड़े सियासी उलटफेर के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर नेताओं की बयानबाजी जारी है। समाजवादी पार्टी में टूट वाले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के दावे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया है। अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि राजभर जिनसे मिलते हों उनसे कह दें कि ले जाएं। दरअसल महाराष्ट्र में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ने और शिंदे की एनडीए सरकार में शामिल होने के बाद यूपी की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। दरअसल ओपी राजभर ने बड़ा दावा करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी से बहुत से विधायक उनके संपर्क में हैं और अखिलेश यादव की पार्टी टूट रही है। इस दावे के पीछे के आधार को लेकर उन्होंने कहा था कि हम सपा के साथ रहे हैं, उनके विधायकों को पता है कि मेरा जुगाड़ हर जगह है, इसलिए ही सपा विधायक हमारे साथ आ रहे हैं। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, सपा को पता है कि अकेले चुनाव लड़कर यहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इसलिए सपा के लोग अपना अपना भविष्य सुधारने के प्रयास में लगे हुए हैं। उधर चाचा शिवपाल के बहाने सपा में टूट का सिगुफा छोड़ने वालों को मुंह छिपाने के लिए खुद शिवपाल यादव ने ही मजबूर कर दिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने विपक्ष की टूट पर बयान दिया है कि सपा में कोई टूट नहीं होगी। ओपी राजभर के बयान पर उन्होंने कहा कि ये लोग बहुत हल्के आदमी हैं, चुनाव आते ही ये लोग इस तरह की बातें करते हैं ताकि इनकी दुकान चलती रहे, इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं है, ये लोग हमेशा बीजेपी के संपर्क में रहे हैं। शिवपाल ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को तो अपने लिए ही दूसरी सीट ढूंढनी पड़ेगी जब मैं जहूराबाद पहुंच जाऊंगा। ओम प्रकाश राजभर के साथ ही शिवपाल सिंह यादव ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को भी निशाने पर ले लिया। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के बयान पर शिवपाल यादव ने कहा कि ये भी बहुत हल्के लोग हैं, इनसे तो हम कभी मिले भी नहीं हैं और मिलते भी नहीं हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने यहां तक दावा किया था कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी एनडीए में आने वाले हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के चाचा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी नाराज चल रहे हैं और वो भी एनडीए में आना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की बातों को और आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने भी यूपी को लेकर बड़ा बयान दे दिया था। अठावले ने कहा था अजीत पवार के एनसीपी तोड़ने के कारण ही 13 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी दलों की महाबैठक टल गई है। जैसे अजीत पवार ने किया है वैसे ही बिहार और यूपी में भी हो सकता है, क्योंकि यूपी में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पटना में आयोजित विपक्ष की बैठक में नहीं गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज लॉन्चर।